अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए लेकर आई हूँ इंगेजमेंट ब्राइडल मेकअप। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आएगा। अच्छा, इनकी पेज डन हो गई थी तो इन्होंने बताया कि पेज शो करा सकते हैं, तो मैं पेज की वीडियो बनाना तो वो स्किप हो गया क्योंकि पेज बन चुका था, वीडियो नहीं शूट हुई। सो यहाँ पर मेरा पेज बन चुका है। पेज की और वीडियोज़ भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वैसे ही मेरे बेस बनाया था, थोड़ा सा सॉफ्ट रखा था, थोड़ा सा लाइट रखा था, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रो जो है वो शेप आउट कर रही हूँ क्रेलॉन के केक लाइनर से, ठीक है। यहाँ से आपने सिंपली बहुत सारे मेरे पास वीडियो है इसकी, आप चैनल पे भी देख सकते हैं कि सिंपल आपने नीचे से लाइन ड्रॉ करनी है, फिर ऊपर से हाफ इंच छोड़कर जो है वो ऊपर से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। देन आप देख सकते हैं कि मैं कैसे जो है ना उसको फिलअप कर रही हूँ। जब आप फिलअप करो या फिर ड्रॉ करो ना, तो आपको जो है ना वो ब्रश को जो बिल्कुल ज़ोर से नहीं ड्रॉ करना है, बिल्कुल लाइट हाथ से, जैसे कि आप पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करते हो तो लाइक आपने पेंसिल समझ के इस्तेमाल करनी है इसको, ठीक है। और बहुत नेचुरली आपको ड्रॉ करनी है। अगर आप जैसे रगड़ कर या फिर बिल्कुल थिक करके करोगे ना, तो वो बहुत हार्श लुक देता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आईब्रोज फिलअप करने के बाद जो है यहाँ पे मैं ब्रो बोन पे ले रही हूँ ग्लो का जो है वो सिल्वर कलर ले रही हूँ इंटरफेरेंस से ये, और यहाँ पे मैं जो है वो ब्रो बोन और इनर कॉर्नर इनर टियर डॉट पे जो है वो लगा रही हूँ और उसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ अच्छे तरीके से। मैंने दोनों तरफ अच्छे से लगा दिया था, फिर उसको फिंगर से जो है वो ब्लेंड आउट कर दिया था ताकि वो स्किन में चले जाए और वो बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट दे। अगर आप फिंगर से ब्लेंड नहीं करेंगे ना, तो वो लगेगा तो सही, लेकिन ऐसा लगेगा कि आपने उसको ब्लेंड सही नहीं किया है। तो आप बिल्कुल मेक श्योर हो जाए कि वो ब्लेंड आउट बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया है। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैं इनको शेड दूँगी। यहाँ पे इनके जो लिड पर जो कलर है ना, वो मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर दूँगी, क्योंकि इनका जो ड्रेस का जो कलर था ना, इंगेजमेंट ड्रेस का कलर था, ये जैसे कॉपर गोल्ड होता है ना, वो कलर में दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको काशी की पैलेट में से मिल जाएगा, काशी की जो विंटेज डॉल पैलेट है ना, उस पर से आपको ये कलर मिल जाएगा। आराम से जो है ना वो मैं फिंगर से स्वच्छ करके जो है ना फिंगर में प्रोडक्ट लेकर जो है ना वो फिंगर से लगा रहा हूँ। ब्रश से इतना ईजीली जो है वो नहीं लगता है, फिंगर से आप लगाएंगे तो वो बनस्बत ब्रश की बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जो है ना स्वैप करके जो है ना फिंगर पे इस तरह ड्रैग कर रही हूँ नीचे की तरफ। अगर आप उसको रब करेंगे ना, तो वो कभी भी शेड जो है ना वो एक्चुअल अच्छा नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं, देखिए मैं नीचे की तरफ पुल कर रही हूँ, ठीक है, और शेड को एक एक शेड जो है ना फिर वो नज़र आएगा। अगर मैं उसको रब करूँगी या फिर ऐसे ही लगा दूँगी ना, तो वो जितना अच्छा रिजल्ट हम चाह रहे हैं ना, वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्डन ब्राउन जो है हमारी दोनों लिड पर जो है वो लग चुका है। बिल्कुल ईजी टेक्निक्स में लगा रही हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं अब उसी को जो है ना वो थोड़ा सा डार्क करने के लिए उसी की जो है ना एक और जो है ना वो कोट कर रही हूँ, ताकि जो शेड जो है ना वो और इन्हेंस होकर आए, ठीक है। इनके जो शेड का इंगेजमेंट का जो ड्रेस था ना, वो था नेवी ब्लू और गोल्डन, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने जो है वो मेकअप करना था। इनको जो है वो ना तो इतना जो इतना हार्श भी नहीं चाहिए था, इतना सॉफ्ट भी नहीं चाहिए था, तो मैंने जो है वो नॉर्मल मॉडल लुक पर रखा है इंगेजमेंट ब्राइड मेकअप, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैंने लिड जो है अप्लाई कर ली है गोल्डन ब्राउन से, और ब्रो बोन पर जो है वो मैंने सिल्वर कलर अप्लाई कर दिया है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, दोनों को ब्लेंड आउट करने के लिए, क्रीज एनहेंस डेप्थ देने के लिए, तो वो मैं पिंक कलर ले रही हूँ। क्रेलॉन का ब्रश है छोटू सा, ये ब्रश बहुत अच्छा है। तकरीबन हर आईज मेकअप में मैं ये ब्रश मोस्टली यूज़ करती हूँ। और भी ब्रश हम यूज़ कर सकते हैं, फिंगर से भी कर सकते हैं, किसी में मैं आपको फिंगर से भी मेकअप करना बताऊँगी, लेकिन ये जो ब्रश है ना, ये माई फेवरेट ब्रश है। इतने ब्रशेज में ना मुझे ब्लेंड करने के लिए, कॉर्नर देने के लिए, क्रीज डिफाइन करने के लिए, मैं इसी को ही जो है ना वो चूज़ करती हूँ, और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। क्रेलॉन के ब्रशेज बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इसके कोई ब्रशेज आपके नहीं निकलते हैं। अच्छा, मैं कॉर्नर डेप देने के लिए मैंने पिंक कलर यूज़ कर लिया है मैट कलर में, जो इनकी काशीज की मैट पैलेट है ना, उसी में से मैंने मैट कलर को चूज़ किया है, पिंक कलर को, और उसको क्रीज को डैप दी है। कॉर्नर के लिए मैं यहाँ पे गोल्डन वो ब्लू कलर जो है ना वो मैट में यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं क्यों जो पर्पल शो हो रहा है वीडियो पे, लेकिन वो एक्चुअल जो है वो ब्लू कलर था, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू जो होता है ना वो, ठीक है। यहाँ पर मैं सी कॉर्नर करने के लिए फिर उसको ब्लेंड कर रही हूँ, C
के कॉर्नर को जब आप कलर लगाते हो ना, तो मैं आपको हज़ार बता बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ वीडियो में कि कलर जो है ना आपने रखना है, आपने रखते ही जो है ना वो ब्लेंड नहीं करना है, ठीक है। कभी भी आप कॉर्नर दो या क्रीज दो, तो आपने जो है ना वो कलर को पहले रखना है ब्रश से, फिर आप उसको ब्लेंड करना है। तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लू कलर जो है ना वो सी शेप में जो है वो रखा है, फिर उसको मैंने ब्लेंड आउट किया है, और मैं ऊपर जो लेके गई हूँ वो पिंक से जो है ना वो हाफ वेट तक मैंने ब्लू कलर रखा है। फिर उसके बाद जो है वो मैंने अच्छे से जो है ब्लेंड आउट करने के बाद फिर मैं डार्क कलर लूँगी, यानी कि ब्लैक कलर। आप देख सकते हैं कि मैं ब्लैक कलर रख रही हूँ, ब्लैक करने कलर के बाद जो है मैं उसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ ब्लू से। अच्छे से मर्ज करना है, कोई कलर जो है वो रखा हुआ नहीं नज़र आना चाहिए इसमें। मैंने वो वीडियो जो है वो कोई जो है वो मैंने फॉरवर्ड नहीं की है, बिल्कुल एज इट इज़ आपको वीडियो नज़र आ रही होगी। कोई जो है ना वो मैंने इसकी स्पीड नहीं बढ़ाई है ताकि आपको ब्लेंडेड आए कि किस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, कितना टाइम लग रहा है, एक एक चीज़ आपको नज़र आए। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत और मेरी ये मेहनत आप लोगों को पसंद आती होगी। तो यहाँ पे मैं लिड पर लगा रही हूँ सीलर। सीलर आप कोई से भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं, मेरे पास कोई ये लोकल ब्रांड का कोई सीलर था, ठीक है, तो वो मैं अप्लाई कर रही हूँ लिड पर। और ये बहुत अच्छा, मतलब जैसे नॉर्मल प्राइस में आपको अच्छा जो है वो सीलर मिल जाता है, तो मैं वो ये अप्लाई कर रही हूँ। इसका नाम मैं भूल गई थी, वो तकरीबन ख़त्म भी हो चुका था सीलर। अब यहाँ पे मैं ग्लिटर भी शो कराऊंगी, कोई लोकल मार्केट से मैंने ये ग्लिटर ली थी, इसके चंक्स बहुत अच्छे थे गोल्डन के साथ जो है ना, वो ग्रीन और गोल्डन ब्राउन इस तरीके शेड आ रहे थे, बहुत अच्छी इफेक्ट दे रहे थे, क्योंकि इनको इस तरीके का ही लुक चाहिए था कि इतना ब्रा भी ना लगे और इतना परमानेंट भी ना हो और इतना जो है वो सॉफ्ट ना भी ना हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ग्लिटर का शो करा देती हूँ। और देखिए सिंपल मैंने कोई रखा है ना, कोई भी इसमें कोई फॉलो आउट नहीं हुआ है, इसका कोई नंबर नहीं था। मैंने जो आपको ग्लिटर शो कराया है वो यही वाले ग्लिटर थे, और आप देख सकते हैं कि कोई फॉल आउट नहीं हुआ है, अच्छे से ग्लिटर लग गया है। हल्का सा जो भी ग्लिटर आपके नीचे आइस के नीचे गिरा हो तो उसको आप जो है वो ब्रश से जो है वो फैन ब्रश होता है उसे आप डस्ट आउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं ब्रो बोन को और हाईलाइट करने के लिए, टियर डॉट को और हाईलाइट करने के लिए हैंग फैंग का ग्लिटर लाइनर ले रही हूँ शेड 1 नंबर, और इसको मैं जो है वो ये जो ब्रो बोन पे और टेयर डॉट पे इनर कॉर्नर पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आईज़ जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी हैं, आईज़ का को काम जो है तकरीबन हो चुका है। लैशेस के लिए मैं यहाँ पे लैशेस ले रही हूँ, मेरे पास तकरीबन ये एक्सप्रेस की थी शायद 3D, और इसमें जो 5 पेयर वाले थे ना वो मैं इसमें से लास्ट पेयर मेरा जो बचा तो मैं वो ले रही हूँ। और लैशेस आप देख सकते हैं कि मैंने फोल्ड करके जो है ना फिर लगा निकाला है, नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को पीछे करके जो है वो देख सकते हो। क्रिस्टीन की जो मैं गम ले रही हूँ लैश लगाने के लिए, लैशेस लगाने के लिए, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ लैशेस पे ग्लू, और लगा कर जो है ना अपने ग्लू जो है थोड़ी देर चंद सेकंड जो है ना वो आपने छोड़ देना होता है, तकरीबन 15 से 20 सेकंड, ताकि वो जो है वो स्टिकी हो जाए और जब हम लैश अप्लाई करें ना तो वो अच्छे से स्टक हो जाए, ठीक है। और अच्छे से स्ट्रक हो जाएगी तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, जब तक हमने ये रखा है। तो मैं जो है वो किसी भी काम का वेट नहीं करती हूँ, तो मैं अपना दूसरा काम स्टार्ट कर लेते हैं, कंटोरिंग का। क्रिस्टीन की 2 नंबर मैंने कंटोरिंग पैलेट ली है, उससे मैं जो है फेस कंटोर कर रही हूँ। इनका फेस जो है वो थोड़ा सा पतला भी था, तो मैं थोड़ा सा ब्राउन दिखाने के लिए, चिक्स जो है वो इन्हेंस करने के लिए जो है ना वो मैं एप्पल चिक्स में कंटोर कर रही हूँ। कंटूर फेस फुल फेस को जो है हम शेप आउट करेंगे और फेस की आउटलाइन करेंगे, जॉ लाइन को कंटूर करेंगे, फुल फ्रेम जो है वो फॉरहेड इनका थोड़ा सा काफ़ी चौड़ा था, तो वो यहाँ पे मैं फेस जो है वो काफ़ी कंटूर कर रही हूँ ताकि फेस जो है वो थोड़ा सा छोटा दिखे, ठीक है। यहाँ पे आउटलाइन भी कर ली है, जॉ लाइन भी कर ली है, फॉरहेड भी कंटूर कर लिया है, और हमारे कंटूर चिक्स भी कंटूर हो गए हैं। छोटे से ब्रश, फ्लैट ब्रश लेकर जो है वो मैं यहाँ पे नोज़ कंटूर कर रही हूँ। नोज़ कंटूर करने के लिए इनकी नोज़ जो है ना वो फ्रंट से जो है वो तो थोड़ी सी लंबी थी, तो मैं जो है ना इसको टिप से जो है ना वो कैंसिल करूँगी, ताकि जो है वो कंटूरिंग से कैंसिल करने के बाद जो है ना वो सिर्फ हाईलाइट जो है ना वो मैं सिर्फ सिंग उस पर दूँगी, हाफ उस पर दूंगी, फुल पे नहीं दूंगी, ताकि जो है वो नोज़ जो है वो इनकी नॉर्मल दिखाई दे। स्टिक हो गई है अच्छे से लैशेस हमारी, तो हमने अच्छे से मैंने उसको लैशेस को अप्लाई कर दिया है। लैशेस लगाने का तरीका यही होता है कि आपने इनर से जो है ना लैशेस जो है आपने जो नेचुरल आपका जो बाल नजर आ रहा होगा लैशेस का इनर कॉर्नर से, आपने वहाँ से जो है ना वो लैशेस अप्लाई करनी है। यही आपकी जो होती है ना टिप होती है,
जो इससे आप लैशेस लगाना सीख सकते हो, तो बहुत अच्छी तरीके से वो लैशेस लग जाती हैं। और आउटर कॉर्नर पे आप थोड़ा सा उठा के लगा दोगे ना लैशेस को, तो वो आपके लिए इजी होती है, ताकि जब हम लैशेस आईज खोलते हैं ना, तो वो आपकी आईज जो है ना वो बड़ी बड़ी नज़र आ रही होती है और वो बिल्कुल ड्रॉप फील नहीं हो रही होती है। तो एंड में मैं जो है उसको डिफाइन कर रही हूँ कंटूरिंग को। काशीज का कॉम्पैक्ट है मेरे पास 2 नंबर, उससे मैं जो है ना वो जो भी एक्सेस कोई पाउडर या फिर कोई भी डस्ट आउट कोई भी शेड होगा वो ये है कि इससे डस्ट आउट हो जाएगा और फिर जो है वो हमारे कॉम्पैक्ट से जो है ना स्किन लॉक हो जाती है, तो हमें किसी चीज़ की और नीड नहीं होती है। तो मैं फुल फेस पे जो है वो काशीज़ का 2 नंबर को कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद मैं काशीज़ की पैलेट लूँगी ब्लशिंग के लिए। ये मेरे पास आई थिंक 1 नंबर था काशीज़ का, और ये मोस्ट तकरीबन जो है वो मेरे पास ख़त्म हो चुकी है। मैं तकरीबन ज़्यादातर ही काशीज़ की पैलेट यूज़ करती हूँ तकरीबन। इसकी जो है ना वो मुझे इसका शेड जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी जो पिंक की जो सीरीज़ है ना, जिन्हें तकरीबन मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ। वो तकरीबन इसका इफेक्ट ऐसा आता है ना, थोड़ी देर में तो वो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा शार्प लुक आ रहा है, लेकिन वो जब स्किन पे सेट होता है ना तो वो बिल्कुल नेचुरल यूज़ होता है। फिर उसके बाद जब हम हाइलाइटर लगाते हैं ना, तो वो बिल्कुल ही नेचुरल फील होता है, ऐसा लगता नहीं है कि आपने कुछ लगाया हुआ है। ठीक है, मैं फिक्सर के लिए मैंने NYX का जो है वो फिक्स सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। फिर उसके बाद मैं हाइलाइटर ले रही हूँ काशीज़ के पैलेट का, ये जो गोल्डन ब्राउन हाइलाइटर है वो यूज़ कर रही हूँ मैं। ये बहुत नेचुरली लगता है और बहुत ग्लो करता है फेस इससे, और बहुत अच्छा लगता है, सेटल डाउन लगता है आपका फेस जो है वो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया हुआ है। इसके काशीज़ के हाइलाइटर, मतलब इवन के उनकी हर चीज़ काशीज़ की ना बहुत बेस्ट होती है, यानी कि अपना कोई वो कुछ भी चीज़ लॉन्च करते हैं ना, तो वो बहुत अपना 100% देते हैं और बहुत अच्छी लगती है मुझे उनकी हर चीज़। तो ये काशीज़ की हाइलाइटर पैलेट में से मैं ये कलर लगा रही हूँ। फिंगर से अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा होता है, वैसे आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं फिंगर से अप्लाई करती हूँ ताकि एक एक शेड जो है ना वो नेचुरली अच्छे से नज़र आए और स्किन में चला जाता है ना, तो वो ग्लो करता है। अभी मेरा लाइनर जो है वो लगाना रहता है आईज़ पे, फिर मेरी आईज़ कम्प्लीट हो जाएंगी। मेरा मेकअप तकरीबन ऑलमोस्ट डन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस मेरा लाइनर रहता है और लिपस्टिक रहती है, और आईज़ के नीचे जो है वो काम रहता है। तो आईज़ में कॉर्नर डिफाइन करूँगी थोड़ा सा जो है वो, आप देख सकते हैं कि मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई है, लेकिन मेरी हैंड की जो स्पीड है ना, हाथ की स्पीड से ही मैं लाइनर लगा रही हूँ। ठीक है, स्पीड मैंने वीडियो की नहीं बढ़ाई है। क्रैक लाइनर की लाइनर लिया है मैंने क्रेलॉन का, और उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। आपने जो फिक्सिंग स्प्रे होता है ना, उसे आपने थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर जो है वो आपने लाइनर लगाना है। थोड़ा सा मैंने विंग लाइनर दिया है, और इसको जो है मैं इस इनर कॉर्नर से बिल्कुल नेचुरल लगाऊंगी और कोई मोटा नहीं करूंगी लाइनर। और बाहर से मैंने थोड़ा सा विंग दिया है, और इसमें ज़्यादा विंग नहीं दिया है। आईज़ इतनी बड़ी नहीं दिखा रही थी, क्योंकि आईज़ ऑलरेडी इनकी इतनी बड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप दूसरी आईज़ पर देख सकते हैं, आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा अगर आपको पहली आईज़ पर नज़र नहीं आया हो तो। थोड़ा सा मैंने विंग निकाला है, ज़्यादा नहीं निकाला है, क्योंकि इनको इतना विंग नहीं चाहिए था। तो देख सकते हैं कि अब हल्का सा मैंने बाहर निकाल के ना उसको ऊपर की तरफ ड्रैग किया है, बाहर निकाला है, और ज़्यादा विंग नहीं दिया है। हम देख लेंगे कि दोनों तरफ से एक्चुअल जो है वो बिल्कुल ठीक है कॉर्नर या नहीं। हमें एक लाइनर जो है वो बिल्कुल बैलेंस करके लगाना चाहिए, दोनों आइस पर देख लेना चाहिए कि एक तरफ से लग रहा है आई लाइनर ठीक है नहीं, वरना हम दोबारा उसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, अच्छा लाइनर मेरा कंप्लीट हो गया था, जब तक मैंने अभी आईज़ इनकी नहीं खुलवाई ताकि लाइनर सूख जाए। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे एमली का शेड लिया है, आई थिंक इसका शेड था 16 था एमली का शेड। ये बहुत अच्छे होते हैं, इसकी ग्लॉस कोई भी फॉलोआउट नहीं करते हैं, मतलब फॉलोआउट के मतलब कोई भी जो है ना वो क्रैक्स नहीं पड़ते हैं, बहुत अच्छे होते हैं इसके एमली के शेड। लिपस्टिक मेरी डन हो गई है, मैं बॉर्डर लाइन में काशीज़ का वाइट जेल लाइनर लगा रही हूँ। अच्छा, इसको आप ब्रश से ब्रश के एंड से आप लगाएंगे ना, तो वो बहुत अच्छा अप्लाई होता है। इनके यहाँ पे जो है वो पानी निकलना शुरू हो गया था आईज़ से, वाटरी आईज़ हो गई थी, तो मैं कॉटन स्टिक से जो है वो काफ़ी कंट्रोल कर रही थी कि इनकी आईज़ का पानी रुक जाए। फिर मैंने मस्कारा अप्लाई किया, मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैं नीचे वाटर लाइन के नीचे जो है वो लोअर लैश पे जो है वो
लगाऊंगी पिंक कलर। ब्लशिंग पे भी आप ले सकते हो या फिर पैलेट से भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, आप पिंक कलर ले सकते हो। इसके नीचे मैंने अप्लाई किया है। फिर इनका मज़ीद पानी नहीं रुक रहा था, आप देख सकते हैं कि इतने बह बह कर जा रहा है, लेकिन हमारा बेस ख़राब नहीं हुआ। वाटर प्रूफ फेस होता है, इसी का यही होता है कि आपकी हर चीज़ वाटर प्रूफ होनी चाहिए, आंसू बहें या रोएं, पानी डालें, लेकिन यह कि बेस और आपका मेकअप जो है ना वो सेटल रहे। इनर कॉर्नर से मैंने जो है वो डिफाइन किया है। आपका मेकअप देखें, हमारा मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक खदीजा शब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।